इन द गिवन सर्किट फाइंड करेंट थ्रू। अब ऑप्शन दिया हुआ है कि 3 ओम में कितना करंट होगा, इसमें कितना होगा। तो पहले हम इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो ये 4 और 2 क्या सीरीज है, क्योंकि इधर जो करंट आएगा इसमें आना ही पड़ेगा। तो 6 हो गया, ये 4 + 2 = 6। और ये भी सीरीज है, एक्चुअली में तीनों सीरीज है। तो 4 + 2 = 6 और 2 = 8 हो गया। और ये 8 और ये 8 क्या है, पैरेलल। तो 4 हो गया, ठीक है। फिर ये 4 + 2 + 2 फिर से 8 हो गया। फिर ये 8 और ये वाला 8 पैरेलल होके फिर से 4 हो गया। यहाँ तक क्या आ गया मेरा, 4 + 2 = 6 और 6 और 3 = 9। तो टोटल आर इक्विवेलेंट 9 आया और ईएमएफ 9 वोल्ट था। तो करंट कितना सप्लाई करेगा, ये ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस 1 एम्पियर। तो इस सेल ने करंट सप्लाई किया 1 एम्पियर, ठीक है। इतना पता चल गया मुझे। अब डिवीजन करेंगे, करंट का डिवीजन, ठीक है। 1 एम्पियर याद रखिए, करंट हो गया है 1 एम्पियर, ओके। तो इधर से 1 एम्पियर निकला, 1 एम्पियर, तो इसमें तो पक्का 1 ही जाएगा, क्यों, हाँ इधर से तो 1 जाएगा, ये कंफर्म है ना, क्योंकि अभी डिवीजन नहीं हुआ है। तो 3 ओम में 1 होना चाहिए, ये बोल रहा है कि 3 ओम में 0.5 होगा, ये तो गलत हो गया। फिर 3 ओम में ये होगा, ये भी गलत हो गया, ये दोनों गलत ऑप्शन हो गया। अब 4 ओम में पता करते हैं। देखो इधर से 1 आया तो इसके पास दो रास्ता है, एक इधर और दूसरा रास्ता यहाँ से यहाँ का सब मिला के, यहाँ से यहाँ का सब मिला के क्या आया था, 4 + 2 + 2 = 8, 8 + 8 = 4, 4 + 2 = 8, फिर से 8 आया था। तो आइडेंटिकल पाथ हो गया, ये जैसा पाथ है इधर का सब मिला के वैसा ही पाथ है, तो आधा आधा बढ़ जाएगा। तो 1 का 0.5 इधर आएगा और 0.5 इधर आएगा। अब ये 0.5 आया, इसके पास भी दो रास्ता मिला, इधर 8 और इधर भी, ये तीनों मिला के 8, तो फिर से आधा आधा बढ़ जाएगा। तो 0.5 का आधा 0.25, तो इधर भी कितना आएगा, 0.25। तो ये 4 ओम वाले में कितना करंट फ्लो किया, 0.25। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, फोर्थ ऑप्शन, 4 ओम रेजिस्टर में 0.25।